ABC साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम वन के ए का एक्सरसाइज भारतीय भवन का क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन दिए थे, जिसमें बोले थे कि आप लोग उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा और कुछ क्वेश्चन न बने उसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, उसको सॉल्यूशन कर हम नेक्स्ट वीडियो में ये डाल देंगे। अब आते हैं ये 1B, ये इस क्वेश्चन का 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव है, जो कि सिंपली फॉर्मूला पे है वो बन जाएगा। अगर नहीं बने तो उसको भी क्वेश्चन नंबरिंग दे करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप पे इस वीडियो यूट्यूब में डाल देंगे इस चैनल में, ताकि आप फिर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अब 11 से हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, किसी का अगर हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, जिसको आप फिर शेष क्वेश्चन बनाइए और अगर न बने तो फिर हमें कमेंट बॉक्स या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और हम उस वीडियो को पुनः बनाकर सॉल्यूशन करके वीडियो में डाउनलोड कर देंगे। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन है इसका पहला नंबर, यदि cos थीटा इक्वल टू √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धन मान इक्वल टू निकालना है। तो ये क्वेश्चन ही यहाँ उतारेंगे, cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो cos थीटा इक्वल टू होता है √3/2, cos में मान होता है cos 30 डिग्री का, क्योंकि sin 60 का मान होता है ये √3/2 और cos 30, क्योंकि इधर cos है इसलिए इधर इक्वल में किए, cos से cos कट गया इसलिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में दूसरा नंबर है, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान इक्वल टू .. अब ये क्वेश्चन में है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान, यानी जो थीटा का मेरा मान आए वो 0 से 90 डिग्री के बीच आना चाहिए, यानी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा पहले साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, सॉल्व दे देंगे यहाँ 1/√2, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन, ये 1/√2 होता है साइन 45 डिग्री का मान, तो ये साइन से साइन कट गया, बचा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया, ये अब इजली सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा का मान बताएं, जबकि 0 डिग्री थीटा और 90 डिग्री, या इसी का दूसरा पार्ट है उसी क्वेश्चन को फिर दिया है, 0 डिग्री से बड़ा हो थीटा से बड़ा हो 90 डिग्री हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कोस थीटा के मान यानी इस क्वेश्चन में 2 टाइप का है क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा के मान बताएं, थीटा का मान बताना है, जबकि थीटा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा
और उससे बड़ा 90 डिग्री होना चाहिए, या तो फिर 0 डिग्री से बड़ा थीटा या उससे बड़ा 90 डिग्री हो तो थीटा के किस मान, यानी ऐसा मेरा थीटा का मान होना चाहिए जिसका दोनों का वैल्यू साइन थीटा साइन में मान रखने पे और कॉस में मान रखने पे इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, अब ये होगा प्रश्न से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया है, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो और साइन थीटा इक्वल टू, ये कॉस का मान अपोजिट जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, यानी कॉस थीटा, इसको साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा को हम फार्मूला एक जानते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यह हम जानते हैं साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसी फार्मूला पे इसको बैठा है। अब ये से ये कट गया तो बचा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ थीटा प्लस थीटा ये इधर आ गया तो प्लस हो गया पर इक्वल टू 90 डिग्री, तब हो गया 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बटा 2 यानी 45 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये जरा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होना चाहिए, यानी साइन थीटा यानी साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√2, यानी मेरा मान प्रूफ हो गया, यानी सही हो गया, प्रूफ नहीं हुआ ये सही हो गया, यहाँ ये मेरा मान सही। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्नांकित में प्रत्येक में कौन अधिकतम है, तो अधिकतम मान पहले सबका निकालेंगे, टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1, टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3, टेन 20 डिग्री का मान हमको नहीं मालूम है चूँकि 30 डिग्री का 1/2 है तो इसका भी तो और कम ही आएगा, और टेन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3, √3 का मान होता है 1.732, तो चूँकि ये अधिकतम मान पूछ रहा है सिंपली वे में ये अधिकतम मान ये होगा, अतः अधिकतम मान इक्वल टू 10/60 डिग्री, यही मेरा यहाँ पे आंसर हो। चलिए दोस्तों अब 19 नंबर क्वेश्चन है, मान ज्ञात करें, अब इसमें जिसको भी वैल्यू याद रहेगा वही इसका सॉल्यूशन अच्छा से कर पाएगा, अगर वैल्यू याद ना हो तो हम इस क्वेश्चन को सही से सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोस्तों सबसे पहले वैल्यू याद रखना यानी इसका मान, तो मान सबसे पहले क्या होगा, अब कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है तो कॉस 30 का मान होता है, यानी कॉस 30 होता है साइन 60 का उल्टा, यानी कॉस 30 का मान होता है √3/2 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ है 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी टेन 30 का मान होगा उसमें स्क्वायर है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ ऐसे दे देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे, अब इसका स्क्वायर है यानी √3/2 इंटू √3/2, कॉस्ट में ये हो जाएगा 1 + 1/√3 इंटू 1/√3, अब देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी रूट में रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है, बटा 2 × 2 यानी हो गया 4 हो गया, यहाँ 1 + यहाँ 1/√ रूट में रूट से गुना हो गया तो यहाँ 3 हो गया, अब यहाँ हो गया 3/4 एलसीएम ले लेंगे 3 और 1 का बटा 1 कर देंगे अपने मन से 3 हो गया, 1 में 3 से भाग लगाएंगे 1 में 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में कटेगा 3 में 1 से गुना करेंगे यानी 3 + 3 में 3 से भाग लगाएंगे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो गया, यानी मेरा हो गया 3/4 ये जुट जाएगा 3 और 1 = 4 यानी 4/3, 4 से 4 कट गया 3 से 3 कट गया यानी मेरा मान आ गया 1, इतना इजीली वे में बन सकता है। चलिए देखिए इसी में हमको एक और क्वेश्चन लग रहा है कि वो कुछ हार्ड होगा तो उसको सॉल्यूशन कर देते हैं, वह है 4 नंबर, सॉरी एक क्वेश्चन और आपको 18 नंबर का भी क्वेश्चन छूट गया है जिसमें भी यही निकालना है मान ज्ञात करें, यानी इसका पहला क्वेश्चन है टेन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो टेन 60 का मान होता है दोस्तों √3 और कॉस 30 का मान होता है साइन 60 वाला यानी √3/2 यानी रूट में रूट से गुना करेंगे ऊपर में ऊपर से तो रूट में रूट से यानी 3/2 यही मेरा आंसर हो गया, इतना इजली वे में बनेगा। अब इसी का एक
दो फोर नंबर क्वेश्चन बना देते हैं, वो हमें लग रहा है कि कुछ डाउटफुल है, आप लोगों को दिक्कत हो इसलिए उसको बता रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्यूशन करिएगा, दिक्कत हो तो फिर हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए ये है कॉट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट थ्री बटा टू, और साइन कॉस 45 डिग्री का मान होता है वन बटा रूट टू। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है वन बटा टू इंटू साइन 45 डिग्री के वन बटा रूट टू। अब देखिए यहाँ गुना हो जाएगा यानी हो जाएगा रूट थ्री बटा टू रूट टू माइनस वन बटा टू रूट टू। अब यहाँ देखिए एलसीएम ले लेंगे, टू रूट टू दोनों सेम है यानी मेरा हो जाएगा यहाँ रूट थ्री माइनस वन। चूँकि रूट नीचे नहीं रहता है इसलिए इसको परिमेयकरण करेंगे, यानी जो नीचे रूट है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस वन बटा इसमें इससे गुना हो जाएगा यानी दो दूना चार हो जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी ये हो जाएगा मेरा कितना रूट में रूट से गुना हो जाएगा यानी रूट छः माइनस रूट टू बटा फोर, ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं 19 का फोर नंबर। आप वन बता दिए हैं, टू थ्री बनाइएगा, फोर नंबर बता रहे हैं। यहाँ इसमें क्वेश्चन है क्या होगा 12 का दूसरा, 12 नंबर क्वेश्चन का सेकंड। यदि साइन इंटू ए माइनस बी इजकल टू वन बाई टू, कॉस इंटू वन माइनस बी इजकल टू वन बाई टू, जबकि जीरो डिग्री से बड़ा हो कौन ए प्लस कौन बी बड़ा है 90 डिग्री, तो ए बड़ा है बी से तो बी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अब इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या होगा प्रश्न से पहला चलेंगे, पहले साइन इंटू ए माइनस बी इजकल टू वन बाई टू, और लिखेंगे साइन इंटू ए माइनस बी इजकल टू वन बाई टू होता है साइन 30 डिग्री का मान। अब यह है कि हम कॉस का क्यों नहीं चले, क्योंकि इस साइड उसके बाएं साइड में साइन है इसलिए साइन का मान रखेंगे, ठीक है। तो अब ये साइन से ये साइन कट गया यानी ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ पुनः लिखेंगे कॉस इंटू ए माइनस बी इजकल टू वन बाई टू, और हो जाएगा कॉस इंटू वन माइनस बी इजकल टू, यहाँ हो जाएगा कॉस कितना डिग्री का मान होगा, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का होगा यानी कॉस 60 डिग्री का मान होता है वन बाई टू। ये कॉस से ये कॉस कट गया इसलिए ए माइनस बी इजकल टू 60 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन दो। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से ए और बी का मान निकालेंगे यानी समीकरण एक प्लस समीकरण दो, दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो हो जाएगा ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। सॉरी यहाँ क्वेश्चन में कॉस ए प्लस बी था, हम क्वेश्चन में यहाँ माइनस लिखा गया कॉस प्लस में था, ठीक है। तो यहाँ ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा प्लस ए प्लस इजकल टू 60 डिग्री, ऐसे ये कट गया यानी टू ए इजकल टू 90 डिग्री, ए इजकल टू 90 बटा टू 45 डिग्री, इसलिए ए इजकल टू 45। ये समीकरण एक में रख देंगे, समीकरण एक में रखने पर जब एक में रखेंगे तो क्या दिया हुआ है, एक ए माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री, एक मान आया है 45, 45 माइनस बी इजकल टू 30 डिग्री। अब इस बी को उस तरफ लेकर चल जाएंगे तो 45 ये आएगा इधर तो माइनस में इजकल टू बी, इसलिए बी इजकल टू ये घट के आ जाएगा कितना 15 डिग्री। अब बी काम तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में
बी का मान ज्ञात करें, और बी से बड़ा है ए, जाहिर सी बात है बी का मान मेरा 15 आ रहा है और ए का मान 45, तो 12 आ रहा है, अतः बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन चलते हैं जिसमें दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन। ए में दिया हुआ है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी के मान ज्ञात करें, ऐसा फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है कि ए और सी का मान ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है ए और सी का मान ज्ञात करना है तो ये कोण 90 डिग्री होगा, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें चलते हैं, तो साइन थीटा से भी चल सकते हैं, कॉस थीटा से भी चल सकते हैं, दोनों का मान सेम आएगा, तो साइन थीटा से चलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू, और एक चीज़ और कॉस थीटा से नहीं चलेंगे, इसलिए नहीं चलेंगे कि कॉस थीटा से चलेंगे तो आधार बटा करना होगा, तो सबसे पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा तब निकलेगा, और साइन थीटा से अगर चलते हैं तो डायरेक्ट लंब बटा करना होगा, डायरेक्ट मेरा निकलेगा, इसलिए साइन थीटा से चलते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण, यानी यहाँ पहले साइन थीटा के जगह पर ए लेके चलेंगे, तो साइन ए इक्वल टू होगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब इसका मेरा सामने का हो जाएगा बी सी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा बी सी का मान मेरा दिया हुआ है 3 और ए सी का है 6 1/2, यानी साइन ए इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, साइन से साइन कट गया इसलिए ए इक्वल टू मेरा मान आ गया 30, पुनः यानी फिर से चलेंगे, अब यहाँ सी का मान चूँकि पूछ रहा है एक ए और सी, तो सी के लिए चलेंगे यहाँ, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, यहाँ चलेंगे कॉस थीटा से यानी आधार बटा कर्ण, पुनः चलेंगे कॉस सी इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो इसके सामने वाला ये लंब है ये आधार है, यानी बी सी बटा ए सी, यानी मेरा मान हो जाएगा 3/6, कॉस सी इक्वल टू 3/6 कट गया 1/2 बराबर आ गया 1/2, कॉस सी इक्वल टू कॉस कितना डिग्री का मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है, यानी कॉस 60 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो कॉस से कॉस चल गया इसलिए सी बराबर हो गया 60 डिग्री, अतः कोण ए इक्वल टू 30 डिग्री तथा कोण सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें एक और क्वेश्चन है 13 का ए में दूसरा क्वेश्चन भी है, उसको भी इसी टाइप से बनाना है। अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, 14 नंबर क्वेश्चन में चलिए इसमें दो क्वेश्चन है, मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे बड़ा मान वाला को लिखना है, फिर छोटा वाला मान को, फिर छोटा, तो इसमें एक रूल याद रखना है, साइन में अगर चलेंगे तो बड़ा वाला बड़ा कहलाएगा, छोटा वाला छोटा कहलाएगा, लेकिन अगर यही हम कॉस में चलेंगे तो बड़ा वाला छोटा हो जाता है और छोटा वाला बड़ा हो जाता है, इसका ये रूल है कि साइन और कॉस में यही डिफरेंट हो जाता है दोनों में, तो इसमें क्या डिफरेंट होगा, इसमें तो सीधे है घटते क्रम में, तो यहाँ लिखा जाएगा साइन 77 डिग्री से ये बड़ा है उसके बाद ये छोटा हो जाएगा, यानी साइन ये वाला हो जाएगा 63 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा ये साइन 49 डिग्री, यही मेरा आंसर हो गया। अब इसमें है बी में कॉस 10, कॉस 50 और कॉस 40, तो इसमें यही इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी सबसे इसमें जो छोटा है वो सबसे बड़ा कहलाता है, उसके बाद ये बड़ा कहलाएगा, उसके बाद छोटा होगा कॉस 40 डिग्री, उसके बाद छोटा होगा कॉस 50 डिग्री। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी बुक में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर ये कॉसेक पूछ दे तो कॉसेक में छोटा वाला बड़ा हो जाता है, और इसका सेक अगर पूछ दे तो इसमें जो ये बड़ा हो रहा है वो छोटा हो जाएगा, जो नेक्स्ट दो को क्वेश्चन है उसको आप वैसे ही सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, 15 नंबर दिया हुआ है, कौन निम्नलिखित में कौन सत्य है, सत्य है कहने का मतलब जो पिछला हम 14 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं बढ़ते क्रम और घटते क्रम में वही आपको इंडिकेट किया हुआ है, वही बनाना है उसी के अनुसार। अब नेक्स्ट चलेंगे 16 नंबर, 16 नंबर में दिया हुआ है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है, अब ये सबका मान निकालेंगे, मान में जो सबसे छोटा मान आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे
तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, अगर आप नए पहली बार वीडियो इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल में, तो आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अभी जो भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच जाए। और इसमें जो भी क्वेश्चन फिर न बने, ये भारतीय भवन का क्वेश्चन हम टोटल बता रहे हैं, इसमें से जो दिक्कत हो और BTBC दोनों का इसमें कंबाइंड है, अगर वो भी नहीं बने तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ साइन पाई बाई सिक्स, पाई का मान यहाँ 180 डिग्री। फिर है टेन पाई बाई सिक्स, पाई का मान 180 डिग्री। यहाँ साइन हो जाएगा, ये छूट गया था, 37 डिग्री, 37 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ हो जाएगा कट गया, ये भी 33 डिग्री, 33 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद है साइन पाई बाई टू, पाई का मान है 180 90 1। अब देखिए दोस्तों, इसका होता है पॉइंट में, इसका भी मान होगा, √3 का मान होता है 1.732, तो ये भी और समथिंग पॉइंट में आएगा, और ये मान मेरा बड़ा आएगा, यानी इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा मान, तो सबसे छोटा मान कौन सा होगा। अब इसको देखिए, टेन तीस का 1.73 है, तो इसको निकाल देंगे ऐसे, दो तीन, तीन ऊपर दे देंगे, और नीचे आएगा 1732, यानी इसका मान आ जाएगा मेरा, अब दोस्तों इसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा ये 0.57। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, ये, तो अतः सबसे छोटा, ये नहीं लिखना है, ये मान लिखाएगा, बराबर साइन पाई बाय सिक्स।